हे माई लव्स, वेलकम बैक टू माई चैनल स्पार्कल रोजी मेकओवर। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी स्टेप बाय स्टेप ब्राइडल आई मेकअप कैसे करते हैं, ताकि बिगनर्स को भी ब्राइडल आई लुक करने में ईजी हो सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट मैं पैक का ब्राउ पोमेड से आईब्रोज को फिलअप कर लूँगी एंगुलर ब्रश के हेल्प से। देन मैं एक स्पूली के हेल्प से ब्राउ प्रोडक्ट को अच्छे से स्मच कर लूँगी ब्राउज के साथ। उसके बाद मैं नेक्स्ट HD फोटोजेनिक कंसीलर से ब्राउज के एजेस को क्लीन कर लूँगी एंड सेम कंसीलर को पूरे आईलिड एरिया पे अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी आई शेडो बेस के लिए। देन मैं ट्रांसलूसेंट पाउडर से कंसीलर को सेट कर लूँगी सो कंसीलर क्रीज ना करे एंड आई शेडो अच्छे से ब्लेंड हो सके। नेक्स्ट मैं NK बर्थडे केक पैलेट से ये मरूनिश रेड शेड को अप्लाई कर लूँगी पूरे क्रीज पे एंड बिग फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी सर्कुलर मोशन से बैक एंड फोर्थ टेक्निक के हेल्प से। एंड अच्छे से ब्लेंड करना है टाइम लेकर, देन स्लोली शेड को इंटेंसीफाई भी कर लूँगी मैं। उसके बाद मैं मार्स आई शेडो पैलेट यूज़ कर लूँगी। इसमें से मैं ये डीप पिंक शेड को फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश पे लेकर मेरे नेचुरल क्रीज एरिया पे लाइन क्रिएट कर लूँगी इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक एंड सेम ब्रश से एजेस को ब्लेंड कर लूँगी सर्कुलर मोशन के हेल्प से सो शेड अच्छे से ब्लेंडेड लगे। नेक्स्ट मैं ये ब्लैक शेड को पेंसिल ब्रश पे लेकर सेम पिंक शेड के ऊपर से लाइन क्रिएट कर लूँगी सो इससे आई को अच्छा सा एक डेप्थ प्रोवाइड होगा। देन मैं सेम फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लैक शेड के एजेस को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी पिंक शेड के साथ। देन मैं सेम कंसीलर को फ्लैट ब्रश पे लेकर क्रीज लाइन को गाइड करते हुए कट क्रीज लाइन ड्रॉ कर लूँगी मिड पार्ट से आउटर कॉर्नर तक, देन मिड पार्ट से इनर कॉर्नर तक एंड बहुत ही प्रिसाइजली लाइन ड्रॉ कर लूँगी। देन बाकी लीड एरिया पे कंसीलर को अप्लाई कर लूँगी डैबिंग मोशन पे। उसके बाद मैं ये कॉपर गोल्ड शिमर शेड को इनर कॉर्नर पे प्लेस कर लूँगी फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से एंड शेड को मैं ब्लेंड करते हुए सेंटर लीड तक ले जाऊँगी एंड शेड को मैं प्रेस करते हुए प्लेस करूँगी। देन मैं नायका ब्लैक जेल लाइनर से लाइन ड्रॉ कर लूँगी आउटर कॉर्नर से टेप को गाइड करते हुए एंड देन मैं सेकेंड लाइन ड्रॉ कर लूँगी कट क्रीज के पैरेलली एंड बाकी प्रोडक्ट को मैं ब्लेंड कर लूँगी आउटर कॉर्नर से हाफ सेंटर लीड तक लाइनर ब्रश के हेल्प से। उसके बाद मैं ब्लैक जेल लाइनर के एजेस को ब्लेंड कर लूँगी फिंगर के हेल्प से सो कोई भी हार्श लाइन ना रहे। नेक्स्ट मैं ये पिंक शिमर शेड को प्लेस करूँगी दोनों शेड के सेंटर में एंड ब्लैक जेल लाइनर के एजेस के साथ ब्लेंड कर लूँगी। देन मैं ब्लैक शेड को प्लेस कर लूँगी जेल लाइनर के टॉप पे जेल लाइनर को थोड़ा सा इंटेंसीफाई करने के लिए एंड शेड को ब्लेंड कर लूँगी पिंक शेड के एजेस के साथ स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से एंड अगेन मैं पिंक शेड को लेकर ब्लैक शेड के एजेस के साथ ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं ये लाइट ब्राउन शेड को लोअर लैश लाइन पे स्मोक आउट कर लूँगी पेंसिल ब्रश के हेल्प से। नेक्स्ट मैं ये डीप पिंक शेड को सेम वे पे ब्लेंड कर लूँगी सेम पेंसिल ब्रश के हेल्प से। अगेन मैं जेल लाइनर अप्लाई कर लूँगी वाटर लाइन पे एंड लाइनर ब्रश के हेल्प से अपर लैश लाइन की क्लोज लाइन ड्रॉ कर लूँगी एंड इनर कॉर्नर को थोड़ा शार्प एंड एक्सटेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं सेम ब्लैक शेड से जेल लाइनर को स्मच कर लूँगी आई को इंटेंसीफाई एंड डिफाइन करने के लिए फ्लैट डिफाइनर ब्रश के हेल्प से। उसके बाद मैं लैक्मी इंटेंस गोल्डन आईलाइनर से लाइन ड्रॉ कर लूँगी कट क्रीज को थोड़ा डिफाइन करने के लिए आउटर कॉर्नर को एंड अगेन मैं कॉपर गोल्ड शिमर शेड से ब्राउ बोन एंड इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लूँगी। नेक्स्ट मैं लैशेस को कर्ल कर लूँगी लैश कलर के हेल्प से, देन एसेंस फॉल्स लैश वॉल्यूमनाइज मस्कारा से अपर एंड लोअर लैश को अच्छे से कोट कर लूँगी एंड ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है, ये आपके लैशेस को बहुत ही अच्छा वॉल्यूम प्रोवाइड करता है। देन स्विस ब्यूटी 3D फॉल्स लैश अप्लाई कर लूँगी एंड दिस इज़ द फिनिश्ड लुक। आई होप आप सभी को ये लुक पसंद आया होगा एंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही न्यू वीडियोस देखने के लिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये लुक कैसा लगा। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ मिनी ट्यूटोरियल्स देती रहती हूँ। सी यू नेक्स्ट टाइम इन ब्रांड न्यू वीडियो, टिल देन बाय गाइज़।